हाय गाइस, मैं सुरंश यादव। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे अपना प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी डिज़ाइन डाल सकते हैं, जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं और उनसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडबबल और टीपब्लिक के बारे में। तो इन दोनों को मैं साथ में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि टीपब्लिक भी रेडबबल भी ओन करता है। मतलब रेडबबल ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और टीपब्लिक थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म है, पर टीपब्लिक भी रेडबबल के द्वारा ओन्ड ही प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है कि बहुत सारे अलग साइट्स हैं, जैसे मर्च बाय अमेज़ॉन और टीस्प्रिंग और टीचिप। मतलब इन चीज़ों में क्या है कि इन साइट्स में ये दिक्कत है कि यहाँ पे जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं, मतलब वो आपको खुद लाने पड़ते हैं और इतना प्रमोशन वगैरह ये साइट्स नहीं करती हैं। पर रेडबबल और टीपब्लिक में यह बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मतलब आप अपने डिज़ाइन अपलोड कर दीजिए। मतलब कुछ क्राइटेरिया है इनका, मतलब टीपब्लिक में ऐसा क्राइटेरिया है कि आप इतना टास्क इनका कंप्लीट कर दीजिए, इतनी डिज़ाइन डाल दीजिए, इतने कुछ अपनी सेटिंग्स वगैरह को ऑन कर लीजिए, ऐसा तो उसके बाद ये लोग ट्रैफिक जनरेट करते हैं। पर रेडबबल में तो ऐसा है कि मतलब आप अपने डिज़ाइन डालना स्टार्ट कीजिए। आपने 2-4 डिज़ाइंस भी डाली हैं तो भी अगर आपकी डिज़ाइन अच्छी हैं, आपके टैग्स अच्छे हैं, आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं, तो रेडबबल आपकी डिज़ाइन को टॉप पर भी दिखा देगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है मतलब रेडबबल और टीपब्लिक के बारे में, क्योंकि आप जो भी डिज़ाइन डालेंगे ये लोग तुरंत उसको टॉप पे ले जाते हैं और आपकी सेल हो सकती है। मतलब स्टार्टिंग की आपने अगर एक डिज़ाइन डाली, मतलब मैं गारंटी कह रहा हूँ अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी डाली है और पहली आपने सिर्फ एक डिज़ाइन भी डाली है तो भी आपकी सेल हो सकती है। तो समझ रहे हैं, ये मतलब ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। फिर इसके बाद मैं रैंक करूँगा मर्च बाय अमेज़ॉन या फिर टीस्प्रिंग को। तो मर्च बाय अमेज़ॉन में सबसे मेन दिक्कत ये आती है कि वहाँ पर आपको मतलब अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। इन द सेंस आईडी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अमेज़ॉन सब जानते हैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो स्टार्टिंग में तो वो सबकी एक्सेप्ट कर रहे थे कि कोई भी ऐसा सेलर जा सकता है, वहाँ पर डिज़ाइन डाल सकता है। पर अभी इतने सारे कस्टमर्स हो गए उनके पास, इतने ज़्यादा डिज़ाइनर्स लोग हो गए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको मतलब बहुत अच्छा अपना डालना पड़ता है कि मेरी एक वेबसाइट वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें करके डालना पड़ता है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है मच बाय अमेज़ॉन पे। तो अमेज़ॉन पे ये दिक्कत आती है। बाकी उसमें फ़ायदा ये है कि सब जानते हैं अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो मतलब आप अपनी डिज़ाइन कहीं भी बेच सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा लोगों को विजुअल होगी। तो ये एक मर्ज में अमेज़ॉन का फ़ायदा है। पर अगर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वो भी क्या कैसे करना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और उसके बाद बात करते हैं टीस्प्रिंग की। तो टीस्प्रिंग भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस इसमें दिक्कत ये है मतलब इसके पास भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो ग्रुप है जहाँ पे ये अपने डिज़ाइन शो करता है, तो इसकी भी रीच बहुत अच्छी है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये खुद से प्रमोशन नहीं करता जैसा रेडबबल और टीपब्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद ही अपनी प्रमोशन करनी पड़ेगी अपने डिज़ाइंस की। मतलब ये करता है पर जैसे दिक्कत ये है कि कुछ सेल्स के बाद मतलब 5-10 सेल हो जाए उसकी। पर दिक्कत ये है कि अगर आपकी स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है सेल्स तो आपको सेल करने के लिए अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर इनिशियली आपको प्रमोशन वगैरह करना है तो उससे आपको कुछ सेल्स हैं जो खुद जनरेट करनी पड़ेंगी टीस्प्रिंग के लिए, उसके बाद टीस्प्रिंग आपको जनरेट करके देता है एज अ रेडबबल और टीपब्लिक। तो ये टीस्प्रिंग में छोटी सी दिक्कत है, बाकी टीस्प्रिंग भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं टीचिप और वगैरह वगैरह। तो टीचिप में यह है कि मतलब आपको एक डोमेन टाइप की बाय करनी पड़ती है, तो वो अगर आप डोमेन बाय कर लेते हैं तो उस डोमेन का कुछ चार्ज होता है, मतलब वेरी करता रहता है वो, कुछ $20 $50 लाइक। तो वो आप बाय कर लेंगे, 1 साल का चार्ज होता है वो, तो उसके हिसाब से आपको डोमेन मिलती है और फिर आप वहाँ पे अपने डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ऐसा सबका अपना 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 मॉडल है और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आपको इस सीरीज़ में बता पाऊँ, पर अगर आपको फिर भी मतलब मैं मेनली रेडबबल और टीपब्लिक के बारे में तो बात करूँगा ही, और आपको किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।